गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, और ये क्लासेस जो है ये सबके लिए पब्लिक की हुई है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक जो है जनरली थोड़ा सा बोरिंग जो है वो होता है, ठीक है। इसकी एक क्लास हम जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो आपको जो है इसी क्लास में उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास जो है, पिछली क्लास जो थी वो उसमें हमने देखा था कि डिजास्टर जो है वो क्या होता है, किस तरीके से डिजास्टर जो रिडक्शन जो है वो हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान जो है कौन कौन से तीन फेसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा जो आपका कहीं अगर आपका जो है जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो हो जाए तो उसके रिगार्डिंग, रेडिएशन के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं, वो सारा हम कवर कर चुके हैं हमारी पिछली क्लास में। इस क्लास में हम देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में जो है उसको किस तरीके से हैंडल जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो अपनी, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। लिखो, डिजास्टर्स वर व्यूड एज, डिजास्टर्स वर व्यूड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, डिजास्टर्स वर व्यूड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस। लिखो, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम ह्यूमन मेड डिजास्टर्स, ह्यूमन मेड डिजास्टर्स इन दीज इन नंबर एंड इन मैग्नीट्यूड, नंबर एंड मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट लिखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। लिखो, इट प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इट प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर ड्रॉइंग अप, फॉर ड्रॉइंग अप एंड मॉनिटरिंग द, मॉनिटरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सेकेंड लिखो, इट इंश्योर्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन, इट इंश्योर्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज ऑफ द स्टेट, वेरियस एजेंसीज ऑफ द स्टेट। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, ये फ्लो चार्ट जो है ये एज इट इज आपको जब भी अपना आंसर लिखना है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया के बारे में कुछ भी लिखना है, ये फ्लो चार्ट आपको एज इट इज ही बनाना है, ठीक है। तो ये बनाना स्टार्ट करो। फर्स्ट है आपका, आपकी गवर्नमेंट जो है थ्री टाइम्स गवर्नमेंट चलती है ना, सेंटर में आपकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंडर जो है आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको हम होम मिनिस्ट्री भी कहते हैं, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री क्या काम करेगी, ये दो दो चीजें जो है ये बनाएगी, एक बनाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और सेकेंड ये क्या बनाएगी, डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इन सबके बारे में हमें लिखना है आज की क्लास में, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, रिस्पॉन्स फोर्स, ये होगा आपका सेंटर के ऊपर काम। उसी के साथ साथ एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई जाएगी, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, कौन सी अथॉरिटी होगी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये किसके अंडर होगी, प्राइम मिनिस्टर के अंडर। उस अथॉरिटी का काम क्या होगा, उस अथॉरिटी का काम होगा वो एक कमेटी जो है उसका गठन करेगी, जिसको बोलेंगे हम नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसको हेड कौन करेगा, जो आपके, इसको चेयर कौन करेगा, जो होम सेक्रेटरी होंगे वो चेयर करेंगे, होम सेक्रेटरी। अब दोबारा से देख लो,
सेंट्रल गवर्नमेंट में अंदर के अंदर आती है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री का काम क्या होगा, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको रन करना, सबसे पहले तो उसको बनाना, देन उसको रन करना। सेकंड, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो बनाना, इसमें वेरियस जो आपके बीएसएफ के जवान जो है वो उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और दूसरे जो है आईटीबीपी के लोग जो है जवान जो है उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये काम किसका होगा, होम मिनिस्ट्री का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, ये दो चीजें जो है ये काम करेगी। देन उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर के अंदर आएगी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो किसके अंडर आएगी, प्राइम मिनिस्टर के अंडर। उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाना, जिसको हेड कौन करेंगे, आपके होम सेक्रेटरी। ठीक है, ये होगा सेंटर के ऊपर काम। नेक्स्ट आते हैं स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, डीएम डिपार्टमेंट। उसी के साथ साथ यहां पे चीफ मिनिस्टर के अंडर जो है क्या बनाया जाएगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये किसके अंडर होगी, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर थी, ये चीफ मिनिस्टर के अंडर होगी। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा क्या बनाना, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये किसके अंडर होगी, जो आपकी स्टेट का जो हाईएस्ट आपका जो आईएएस ऑफिसर होता है ना, चीफ सेक्रेटरी, जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होगा उसके अंडर जो है ये आएगी आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो है वो दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे, एक आएगी आपकी पंचायत, दूसरी आएगी आपकी म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, वो बनाएगी एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये किसके अंडर आएगी, ये पीएम के अंडर थी, ये सीएम के अंडर थी, ये किसके अंडर आएगी, आपका जो डेप्यूटी सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है ये उसके अंडर आएगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो ये है आपका सारा डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया का, क्या जो आपका जो सिस्टम जो रहता है कि किस तरीके से डिजास्टर जो है उसको मैनेज करेंगे हम इंडिया में। अगर सेंट्रल लेवल का डिजास्टर है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा दो चीजें बनाई हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सारी बातें जो है वो बताई जाती है। उसी के साथ साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो बनाई जाएगी, जो कि रेस्क्यू का काम जो है वो करेगी। उसी के साथ साथ एक पीएम, पीएम के अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, और वो अथॉरिटी क्या करेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो बनाएगी। किसके अंडर होगी वो, होम सेक्रेटरी के अंदर। सेम आ जाते हैं स्टेट में, स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है एक वो बनाया जाएगा, वो क्या करेगा, आगे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो सीएम के अंदर जो है वो रहेगी। ठीक है, देन वो क्या करेगी, वो आगे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो बनाएगी, जिसको हेड किसके द्वारा किया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, आपकी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आ जाती हैं, वो क्या करेंगी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो बनाएगी, किसके अंडर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये है आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। अब इसके बारे में लिखो, लिखो मेन प्रोविजंस, मेन प्रोविजंस लिखो। फर्स्ट, सेटिंग अप ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर प्राइम मिनिस्टर, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कॉमा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर चीफ मिनिस्टर, एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सेकेंड लिखो, इट प्रोवाइड फॉर डिफरेंट एग्जीक्यूटिव कमेटीज, प्रोवाइड फॉर डिफरेंट एग्जीक्यूटिव कमेटीज एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, कमेटीज हम देख रहे हैं सिर्फ नेशनल लेवल पे है और ये स्टेट लेवल पे है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी जो है वो नहीं है, एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर
इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग. नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स. नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो डायरेक्ट्स द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज, इट ऑल्सो डायरेक्ट्स द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू फॉर्मुलेट देयर प्लान्स, टू फॉर्मुलेट देयर प्लान्स. नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो कंटेन्स द प्रोविजन फॉर, इट ऑल्सो कंटेन्स द प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल मैकेनिज्म सच एज क्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर रिस्पॉन्स, क्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर रिस्पॉन्स. नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये बना लेना सारा. लिखो, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, सेक्शन 8 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. To assist the national authority, assist the national authority in the performance of its functions, in the performance of its functions, chaired by Home Secretary. Next point, it acts as a coordinating and monitoring body, to prepare a national plan and also monitor the implementation of national policy. Next, we go National Disaster Management Authority. Liko apex body for disaster management headed by Prime Minister next go laying down the policies plans and guidelines and coordinating their enforcement. Next we go, responsibilities of NDMA, National Disaster Management Act. इसमें लिखो, it approves the national plan and plans prepared by various ministries
various ministries and departments of Government of India. Of Government of India. Next, likho, it lay down the guidelines for state authorities also. Next point, it coordinates the implementation of policies, comma, make provisions for funds for mitigation and also gave directions to National Institute of Disaster Management. Next heading, State Disaster Management Authority. Likho, at present, in all the states and UTs under Disaster Management Act 2005. ठीक है, तो सारी जगहों पे जो है, सारी UTs और states में State Disaster Management Authority जो है वो बनाई हुई है. Next heading डालो, State Executive Committee. It is headed by Chief Secretary of the respective state and four other secretaries. तो ये पांच लोग मिलके जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जो है ये होते हैं. नेक्स्ट लिखो, सॉरी, इनके द्वारा हेड की जाती है. लिखो नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. लिखो, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई गई है. किसके अंडर होती है ये अथॉरिटी? लिखो, अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अथॉरिटी एज को चेयरपर्सन. तो वो जो इलेक्टेड मेंबर जो होता है वो इसका को चेयरपर्सन होता है. चेयरपर्सन कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी. अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अथॉरिटी एज को चेयरपर्सन. नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग कॉर्डिनेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट shall be the duty of DDMA, District Disaster Management Authority. Next, लिखो, National Institute of Disaster Management. लिखो, to develop the training modules first point. Second point लिखो, ये था इसका first point. Second point लिखो, undertake research and documentation. Third point, to organize the training programs, comma, study courses, जो बच्चों की NCERTs जो होती हैं उसमें study courses में ये डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें जो है वो डालनी है, वो सब जो है उसमें ये काम जो है ये किनका होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का.
स्टडी कोर्सेज, कॉमा कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स. कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स देश के कौन कौन से हिस्सों में डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेज जो है वो कंडक्ट करवाई जाएंगी, वो सारा काम किनका होगा, वो सारे को ध्यान में रखना किसका काम होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. नेक्स्ट देखो, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. देखो, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर NDMA एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 8 बटालियंस. इट कंसिस्ट ऑफ 8 बटालियंस. लिखो, टू फ्रॉम बीएसएफ. दो बीएसएफ से होती हैं, दो आईटीबीपी से होती हैं. लिखो, टू फ्रॉम आईटीबीपी टू फ्रॉम सीआईएसएफ एंड टू फ्रॉम सीआरपीएफ. ठीक है, तो ये जो है टोटल 8 बटालियन जो है ये इसमें होती हैं, दो बीएसएफ से, दो आईटीबीपी से. बीएसएफ हो गया आपका बॉर्डर, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. आईटीबीपी हो गया इंडो तिब्बतियन बॉर्डर, आईटीबीपी पी फॉर पुलिस. एंड सीआईएसएफ एंड दो हो गए सीआरपीएफ से, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. सीआईएसएफ का होता है आई थिंक सेंट्रल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी फोर्स. To build them, a specialist competent force to respond to disasters. Next, आ जाओ, National Disaster Response Fund. NDRF, National Disaster Response Fund. लिखो, it provide कौन है? NDMA, National Disaster Management Act. लिखो, it provide for this fund to meet any disaster situation. Next point, Finance Ministry has issued guidelines to the states for the cooperation of NDRF full stop NDRF care National Disaster Response Fund. नेक्स्ट लिखो, दिस फंड इज रेज्ड बाय इंपोजिंग नेशन क्लैमिटी कंटेंजेंसी ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉमा मोटर कार्स, कॉमा टू व्हीलर्स, कॉमा मोबाइल फोन्स एंड सर्टेन टबैको प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट आ जाओ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. लिखो, मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू द गाइडलाइंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ एसडीआरएफ. नेक्स्ट लिखो, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड. लिखो, अंडर सेक्शन 47 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005
सेकेंड पॉइंट, इट इज अप्लाइड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. इट इज अप्लाइड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. बट नाउ it has not been set up because purpose of its mitigation which is already being served by existing centrally sponsored schemes. अब क्योंकि बहुत सी centrally sponsored schemes जो है वो चली हैं, इस वजह से इसको अभी तक जो है वो सेटअप नहीं किया गया है. कौन कौन सी है लिखो. National Mission for Sustainable Agriculture. सेकेंड लिखो River Basin Management. थर्ड लिखो National River Conservation Plan. नेक्स्ट लिखो Water Resource Management. लास्ट लिखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ थोड़ी देर में. नेक्स्ट लिखो नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009. इसमें लिखो it provides for holistic proactive approach which is multi-disaster oriented based on technology driven strategy. Next point, it covers all the aspects of disaster management including institutional and legal issues, financial agreements, relief and rehabilitation, reconstruction and recovery, and also research and development. Next लिखो it will address the concerns of all the sections of society including women, children and differently abled person. Next लिखो bring transparency and accountability in all aspects of management community, all aspects of management, community participation, involvement of community, NGO, PRI, urban local bodies, etc. Next study बनाओ National Disaster Management Plan. देखो comprehensive framework
including multiple hazards. Firstly, इसमें हेडिंग बनाओ मेन फीचर्स. मेन फीचर्स फर्स्ट हेडिंग लिखो टू मेक इंडिया डिजास्टर रेजिलियंट and reduces the loss of life and assets. Next point, based on the priority themes of Sendai framework. उसमें first point लिखो understanding disaster risk. Second लिखो improving disaster risk governance. Next लिखो investing in disaster risk reduction. और लास्ट लिखो disaster preparedness. ये थीम्स किसके हैं? Sendai framework के. तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट लिखो it will cover all the four phases of disaster, that is prevention, mitigation, response and recovery. Next we go, it also recommends horizontal and vertical integration of agencies. Fifth point, spell out roles of all levels of government from central government to panchayat level. Spell out roles of all levels of government from central government to panchayat level. Next देखो, it also recommends the adoption of regional approach. Seventh लिखो, it identifies the major activities as early warning plus information providing, or information dissemination, bracket में providing लिख लो, plus medical care, transport, and search and rescue. Last point, it also prepare communities for handling the disaster with improved information, education and communication. Next लिखो disaster management on international level. ये सब हमने किया इंडियन लेवल पे, अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या काम चल रहे हैं वो देखो. डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन इंटरनेशनल लेवल, फर्स्ट लिखो उसमें UN International Strategy for Disaster Reduction. ब्रैकेट में लिख लो UNISDR. लिखो it was created in 1999. Next लिखो it is a successor of Secretariat of International Decade for
नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, रिडक्शन, RDUCTION, रिडक्शन लिखो. इट कोऑर्डिनेट्स एंड गाइड ऑल द ISDR पार्टनर्स. ISDR पार्टनर्स, ISDR क्या है? इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, इट मोबिलाइज द पॉलिटिकल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, पॉलिटिकल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इनटू ह्यूगो, HYOGO, ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ब्रैकेट में लिख लो HFA, 2005 से लेके 15 तक. नेक्स्ट हेडिंग डालो इंटरनेशनल कॉपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट. सेकेंड है, फर्स्ट हमने कौन सा किया? फर्स्ट हमने किया UNISDR. सेकेंड लिखो इंटरनेशनल कॉपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट. लिखो, इट इज एन इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू, इट इज एन इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप, एडवाइजरी ग्रुप, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मोर देन 80 कंट्रीज, मोर देन 80 कंट्रीज एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर UN, यूनाइटेड नेशंस. थर्ड लिखो SARC, SARC, SAARC, SARC डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, SARC डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर. लिखो SARC established in 1987 and SDMC SARC Disaster Management Center set up in October 2006 at premises of, at premises of National Institute of Disaster Management, New Delhi, National Institute of Disaster Management, New Delhi. Next लिखो Executive Director of National Institute of Disaster Management, Executive Director of National Institute of Disaster Management is also the Director of, is also the Director of SDMC. SDMC. Next point, by providing policy advice and serve all the SARC nations. ठीक है, ये policy advice जो है ये उनको provide करवाता है SDMC. Next लिखो World Conference, अगली organization, World Conference on Disaster Risk Reduction. Organization ही है basically, ये initiative है world level पे. ठीक है, तो लिखो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. लिखो इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंसेस, सीरीज ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंसेस फोकसिंग ऑन, फोकसिंग ऑन डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, focusing on disaster and climate risk management for sustainable development each time hosted in Japan, each time hosted in Japan. First likho Yokohama, YOKOHAMA, Yokohama in 1994. Second likho Kobe, KOBE, Kobe in 2005. थर्ड लिखो सेंडाई इन 2015. नेक्स्ट पॉइंट, दीज कॉन्फ्रेंसेस,
brought together all the stakeholders, that is NGOs, comma civil societies, comma urban local bodies, etc. ठीक है, ये सबको जो है एक साथ लेके आते हैं और वहां पे ये जो है बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए और क्या क्या जो है वो किया जा सकता है। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस लिखो, योकोहामा वाली कॉन्फ्रेंस इन योकोहामा 1994, हेडिंग डालो कॉन्फ्रेंस इन योकोहामा 1994, इसमें लिखो इट अडॉप्टेड स्ट्रेटजी फॉर सेफर वर्ल्ड। सेकेंड लिखो, मतलब इसी का सेकेंड पॉइंट, इट वॉज द आउटकम ऑफ मिड टर्म रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल डेकेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। सेकेंड लिखो, कॉन्फ्रेंस इन कोबे। लिखो टू कोइंसाइड विद 10th anniversary of great earthquake that occurred in 1995। इसी में आपका जो ह्योगो फ्रेमवर्क जो है वो लाया गया था 2005 से लेके 15 तक, ठीक है। फिर 15 में वो खत्म हो गया, तो 15 में एक और कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी वहां पे, ठीक है। तो आप लिख लो ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 15 तक। लिखो इट वॉज द फर्स्ट प्लान टू एक्सप्लेन इन डिटेल the work required from all different sectors to decrease disaster losses. Next point, it brought all the governments, international agencies, disaster experts and many others into common system. Next point, it sets up five priorities First, लिखो disaster risk reduction was declared priority. Second, लिखो improving risk reduction and early warning. Next, building a culture of safety and resilience. Fourth, लिखो reducing the risk in key sectors. Last, लिखो strengthening preparedness for response. Third, लिखो जो थर्ड कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन सेंडाई 2015। इसमें लिखो इट डिस्कस द रिस्पॉन्स टू 2011 डिजास्टर एंड हाउ अर्ली वार्निंग सिस्टम
and how early warning system can save lives. Can save lives. Framework लिखो, इसका heading बनाओ, framework लिखो. लिखो, it is a 15 year non-binding agreement. 15 year non-binding agreement. Next point, it recognizes that state has primary role in risk reduction, but local government and private sector also has the responsibility. Next लिखो, specific priorities for action. First लिखो, understanding disaster risk. Second लिखो, strengthening disaster risk governance. Third लिखो, investing in disaster risk reduction. Fourth लिखो, enhancing disaster preparedness. Next, चार पॉइंट हो गया. पॉइंट बना के एक चीज लिखो, to support the assessment of global progress in achieving the outcome of Sendai framework. Seven targets have been set up. आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए Sendai framework जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी वजह से हम इसके बारे में सबसे ज्यादा लिख रहे हैं. सात टारगेट्स लिख लो जो इसके सेटअप किए गए हैं. फर्स्ट लिखो, टू रिड्यूस द ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी सब्सटेंशियली बाय 2030. नेक्स्ट लिखो, रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द डिजास्टर्स बाय 2030. थर्ड लिखो, रिड्यूस डिजास्टर इकोनॉमिक लॉसेस इन रिलेशन टू ग्लोबल जीडीपी बाय 2030. नेक्स्ट लिखो, सब्सटेंशियली रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक सर्विसेज. नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल डिजास्टर प्लान्स. नेक्स्ट, इंक्रीज द इंटरनेशनल कोऑपरेशन. नेक्स्ट, इंक्रीज द असेस एंड अवेलेबिलिटी टू अर्ली वार्निंग सिस्टम बाय 2030. नेक्स्ट लिखो, चैलेंजेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट. तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं लिखो. फर्स्ट लिखो, वीक फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशंस. इसमें सब पॉइंट्स बनेंगे चार. फर्स्ट है, सेटअप इज प्रोवाइडेड बट देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी
सेटअप इज प्रोवाइडेड बट देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. नेक्स्ट, देयर इज लैक ऑफ एफिशिएंसी, देयर इज लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. नेक्स्ट, डिलेज शुड बी मिनिमाइज्ड. नेक्स्ट, एक्सक्लूडिंग रियल विक्टिम्स एंड अकोमोडेटिंग फॉल्स क्लेमेंट्स, CLAIMNANTS. ANTS claimants. सेकेंड पॉइंट लिखो, ये था फर्स्ट पॉइंट, वीक एंड फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशन के आगे चार पॉइंट्स लिखे थे हमने. सेकेंड पॉइंट लिखो मेन, वीक कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज लिखो. इसके दो पॉइंट्स बनेंगे. फर्स्ट लिखो फॉलो अप बाय नोडल एजेंसीज इन इंप्लीमेंटेशन इज मिसिंग. सेकेंड, एनजीओ कॉमन सिविल सोसाइटी कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल. थर्ड मेन पॉइंट लिखो, सिस्टमिक इनएफिशिएंसीज इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस. इसके दो पॉइंट्स बनेंगे. फर्स्ट पॉइंट लिखो फॉल्टी ऑडिट्स. सेकेंड, फिक्सिंग फाइनेंशियल लॉसेस. नेक्स्ट लिखो फोर्थ मेन पॉइंट, इनोवेशन एंड टेक नीडेड. लिखो यूज ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम रिमोट सेंसिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, तो इनका यूज जो है वो किया जा सकता है. नेक्स्ट लिखो फिफ्थ पॉइंट, इन रिस्पॉन्स टू पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इशूड नोटिसेस टू स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश फॉर फेलियर टू इंप्लीमेंट द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट प्रॉपरली. सिक्स्थ पॉइंट, दिस एक्ट इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर इग्नोरिंग एनजीओस, सिविक ग्रुप्स, लोकल कम्युनिटीज एटसेट्रा. सेवेंथ पॉइंट, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स in December 2011 to review the Disaster Management Act 2005 and task force recommended to redesign
रीडिजाइन द एनडीएमए, रीडिजाइन द एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड इट ऑल्सो प्रपोज्ड दैट एंड इट ऑल्सो प्रपोज्ड दैट देयर शुड बी फंक्शनल इंटीग्रेशन अमंग एनडीएमए एंड एनईसी, एनडीएमए और एनईसी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और एनडीएमए है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। एट्थ पॉइंट लिखो, जेंडर इश्यूज एंड वर्नेबिलिटी ऑफ वीकर सेक्शंस, जेंडर इश्यूज एंड वर्नेबिलिटी ऑफ वीकर सेक्शंस। ये एक अलग से हम टॉपिक डिस्कस करते हैं सोशल इश्यूज में, ठीक है, कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट, जब भी कोई भी डिजास्टर आता है, फ्लड्स आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है, जो आपका वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके ऊपर, वुमेन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, उसका इफेक्ट जो है वो क्या पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मोटा मोटा डिस्कस करके छोड़ देंगे, अच्छे से इसको सोशल इश्यूज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वुमेन एक्सपीरियंस हाई मोर्टेलिटी एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। नेक्स्ट देखो, वर्क बर्डन इंक्रीजेस फॉर वुमेन आफ्टर द डिजास्टर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट, लेस से इन डिसीजन मेकिंग which is a main reason for gender discrimination. Next we go, special needs for pregnant and lactating mothers can worsen the situation. Worsen तो कुछ नहीं होता, worse लिखो, worse the situation. Next लिखो, privacy issues, comma, water and sanitary facilities. Next लिखो, less trained in life saving skills. Next, girls drop out rates after disasters increases. Next heading now, recommendations of second ARC regarding gender issues. Firstly go, disaster mitigation plans should be prepared after consulting women groups. Second, focus should be on vulnerable groups, comma, relief measures according to special requirement of women. Third point, in recovery phases, make women economically independent, provide them with microfinance facilities. Next point, rehabilitation camps should have women representatives in adequate number. Last, trauma counseling and psychological care. Next heading now, recommendation of second ARC
सेकेंड ARC रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। पहले किसके रिगार्डिंग किया है हमने? रिगार्डिंग जेंडर इश्यूज। अब किसके रिगार्डिंग करेंगे? रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। फर्स्ट लिखो, डिजास्टर मैनेजमेंट शुड कंटिन्यू टू बी, डिजास्टर मैनेजमेंट शुड कंटिन्यू टू बी द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, टू कैटेगराइज द डिजास्टर्स इंटू लोकल स्टेट और नेशनल लेवल एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ डिजास्टर, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ डिजास्टर, सो दैट so that the authority responsible for dealing it with can be determined. Next, लिखो stringent punishments, STRINGENT, stringent punishments for misutilizing the funds, for misutilization of funds, या misutilizing the funds. Last, लिखो stringent punishments for misutilization of funds. Last, लिखो the role of local government, role of local government to the forefront, to the forefront. इसी के साथ हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक जो है ये खत्म हो जाता है। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन जो है जो पूछे जाते हैं वो मैं अपनी फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो बता दिया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन 2006 के बाद से जो है जो पूछे गए हैं इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में अप टू 2022, तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे इसकी क्लास के साथ ही, जो आपके जो ग्रुप जो है वो उसमें आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।